हेलो एवरीवन, धीरज कुमार इज हियर। तो आज मैं आप लोग को एक एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ, प्रोन हाइरो एक्सरसाइज, जो आपका पोस्टेरियर डेल्टॉइड होता है मसल, उसके लिए है। तो ये मतलब अधिकतर लोग जो करते हैं वो पेगडेक फ्लाई पे करते हैं, रिवर्स फ्लाई, पेगडेक रिवर्स फ्लाई करते हैं, उस पर करते हैं। तो उससे थोड़ी बेनिफिट कम मिल पाती है, क्योंकि वो आइसोलेशन मूवमेंट हो जाती है। तो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा लिफ्ट कैसे करें, तो हम लोग सपोर्टेड करेंगे प्रोन हाइरो, जो कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है, तो वो हम लोग सपोर्टेड करेंगे, जिससे हम लोग ज़्यादा ज़्यादा हैवी लिफ्ट करके आप बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोन हाइरो कैसे करते हैं, उसके बेनिफिट क्या है, तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। प्रोन हाइरो करने के लिए हम एक इंक्लाइन बेंच पे सो जाएंगे, और फिर आप देख रहे हो डंबल को ऊपर की ओर खींचेंगे स्ट्रेट लाइन पे, और एल्बो को बाहर की तरफ रखेंगे और सीधा ऊपर करेंगे। ये हमारे पोस्टेरियर डेल्टॉइड के लिए, और प्रोन हाइरो इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग पेट के बल सोते हैं, तो प्रोन पोजीशन पर सोते हैं, इसलिए प्रोन हाइरो बोलते हैं। गाइस, ये था हमारा प्रोन हाइरो एक्सरसाइज, जो पोस्टेरियर डेल्टॉइड के लिए। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, प्रोन हाइरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम आगे की तरफ मतलब लेटते हैं, मतलब अपने ये पार्ट को आगे की तरफ करते, ये पार्ट हमारा हो गया प्रोन और बैक का पार्ट हो गया सुपाइन, तो हम लोग आगे की तरफ लेटते हैं, यानी प्रोन पोजीशन में लेटते हैं, इसलिए इसको प्रोन हाइरो बोलते हैं, क्योंकि रोइंग हम लोग कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये प्रोन हाइरो हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज प्रोन हाइरो, जो हमारे पोस्टेरियर डेल्टॉइड के लिए है। तो आप लोग जरूर इसे ट्राई करें, और ये कंपाउंड मूवमेंट है, इसमें आप हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हो, हैवी वेट का बेनिफिट उठा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो गाइस, फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।